वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी DIY जो आपके किचन में ही सभी चीजों से बनती है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बिल्कुल भी हर्बल है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सस्ते में आपका स्किन केयर हो जाएगा इस विंटर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, लेडीज को स्पेशली वर्किंग वुमेन को टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये काम अगर आप सुबह उठते ही करके एक पैक सा लगा लेके आप अगर आपका दूसरा काम करेंगे तो पैक अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि एक इजी सिंपल DIY हर्बल फेस पैक क्या है फॉर दिस विंटर्स। चलिए सो फ्रेंड्स, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ चार ही चार इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली अवेलेबल है जो आपने किचन में। वो सबसे पहले मैंने ले लिया है मसूर की दाल, जो रेड रेड होते हैं थोड़ा सा ऐसा वाला, इसको आपने बना लेना है पाउडर। तो इस तरह का पाउडर बन जाता है, आप मिक्सी में पीस के छान के साइड में रख लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा अपना आटा, चावल का आटा। सो इट इज इजीली अवेलेबल एनीवेयर इन द लोकल मार्केट, ओके। लोकल स्टोर से आप ले सकते हैं, चावल का आटा है ये। तो ये सेकेंड इंग्रेडिएंट हो गया। थर्ड इंग्रेडिएंट विंटर्स के लिए बेस्ट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हनी, जो कि वेरी हाइड्रेटिंग एंड वेरी गुड फॉर स्किन, ओके, स्पेशली फॉर दिस विंटर्स। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मसूर का दाल एक हाफ स्पून ले लीजिए और चावल का आटा हाफ स्पून ले लीजिए, थोड़ा सा हाफ स्पून ग्लिसरीन और हनी, सभी को मिक्स करके ना इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए फ्रेंड्स। सो इसको कुछ नहीं करना है, सुबह जब आप अपना काम स्टार्ट करने से पहले अच्छे से मुंह अपना फेस अच्छे से साफ करके इसको अप्लाई करना है, जस्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे आपको पूरे फेस पे ना अप्लाई कर देना है। ज्यादा देर मसाज करने की भी जरूरत नहीं है, अच्छे से ऐसे फेस को अप्लाई करके बस अपना दूसरा काम करते रहिए। मीनवाइल ये सूख सूख जाएगा, वो एक 15-20 मिनट्स आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने फिर पानी जब ये सूख जाता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइट आपको फील करने लगेगा, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐसा डिप करके ऐसे गीला करके फिर से आप ऐसे से जब स्क्रब करोगे ये जो चावल का आटा है इसमें और ये मसूर दाल का पाउडर भी थोड़ा सा ग्रैन्यूलर होने की वजह से ना फ्रेंड्स, आपको अच्छे से स्क्रबिंग का काम हो जाता है। तो ये आप छोड़ के 20 मिनट्स के बाद सूखने के बाद को ऐसे टैप के नीचे जाके भी आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो एक गीला टॉवल, पहले तो गीला हाथ गीला करके अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे मसाज करके इसको छुड़ाना है, उसके बाद में आपने गीले टॉवल से या नैपकिन से पोंछ लीजिए। यू आर डन फॉर द होल डे। देखिए कितना अच्छे से ना आपको फर्क इमीडिएटली पता चलता है फ्रेंड्स। तो ये अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो 3 times a week कर लीजिए। 3 times भी नहीं कर सकते हैं तो आप 2x a week भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप ये विंटर्स में ये पैक डेफिनेटली अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कीजिए, तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना भी बनता है फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए, ओके फ्रेंड्स। फिर अगले वीडियो में मिलने तक दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।